तीसरी गिरिडीह मुख्य सड़क खिजूरी में 2 घंटे तक रही जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद हटाया गया जाम। वाहन की चपेट में आने से 2 वर्षीय बच्चे की मौत से आक्रोशित थे लोग। पिकअप वाहन की चपेट में आने से 2 वर्षीय बच्चे की मौत की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तीसरी गिरिडीह मुख्य सड़क को खिजूरी में जाम कर दिया। सोमवार की सुबह 6 बजे से ही दर्जनों लोगों द्वारा सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया। ग्रामीण मृत बच्चे के परिजन को मुआवजा देने, इलाके में गौ तस्करी बंद करने और सड़क में ब्रेकर देने की मांग कर रहे थे। बाद में सूचना मिलने पर तीसरी बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा, पुलिस इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद और थाना प्रभारी पीकू प्रसाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अंततः बीडीओ के आश्वासन के बाद लगभग 2 घंटे के बाद जाम हटाया गया। बीडीओ ने कहा कि एफआईआर और पोस्टमार्टम होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेजा जाएगा, जिसके बाद कल्याण विभाग से मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मिलेगा। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि इस पिकअप वाहन में गौ तस्करी की जाती है। इस बाबत तीसरी थानेदार ने लोगों से कहा कि अगर कोई वाहन से गौ तस्करी की जाती है तो थाने को सूचित करें, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तीसरी खिजूरी मुख्य सड़क पर रविवार को देर शाम एक पिकअप वाहन की चपेट में आने से खिजूरी के राजेश साव के 2 वर्षीय पुत्र ऋशांत कुमार की मौत हो गई थी। जब भी पार होता है पुलिस को सूचना मिलता है, पुलिस पकड़ती है, फायर करती है। चौक में जाम लग गया, इसकी सूचना हम लोग को मिलने पर तत्काल हम और सीओ साहब और थाना प्रभारी आए और जाम को हटाने के लिए जो सरकारी प्रक्रिया होगा उसके तहत इसको 1 लाख का मुआवजा मिलता है। लेकिन एफआईआर होगा, पोस्टमार्टम होगा, उस सब प्रक्रिया करने के बाद सीओ साहब भेजेंगे आपदा प्रबंधन में कल्याण विभाग से, वहाँ से सेंक्शन होकर आएगा 1 लाख रुपया, 1 लाख का उनके अकाउंट में ही आएगा डीबीटी के माध्यम से।